खाने के फायदे और नुकसान। समझ रहे ना हम लोग क्या कर रहे हैं। चिकन प्रोटीन का एक ऐसा स्रोत है जिसमें अधिक एनर्जी और कम वसा पाई जाती है। चिकन के फायदे ब्लड प्रेशर की समस्या में भी लाभ पहुँचाते हैं। चिकन में अधिक मात्रा में फॉस्फोरस और कैल्शियम भी पाई जाती है। और भी कई फायदे हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, प्रजापति जूलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे समाज का एक बड़ा तबका सर्वाहारी है, यानी ऐसे लोग जो अपने आहार में सब्जियों और अनाज के साथ मांस का भी उपयोग करते हैं। ये लोग सेवन के लिए मांस, मछली और चिकन को भी उपयोग में लाते हैं। इनमें से चिकन एक ऐसा आहार है जो हमेशा से सभी का पसंदीदा रहा है। वजह यह है आसान उपलब्धता, नरम मुलायम मांस और इसकी कम कीमत। दोस्तों ये तो हो गई आम बात। अब अगर बात करें स्वास्थ्य संबंधित फायदों की, तो चिकन का उपयोग सबसे बेहतर माना गया है। ये कई घातक बीमारियों को न केवल होने से रोकता है बल्कि उनसे छुटकारा दिलाने में भी सहायक माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे कई चिकन खाने के फायदे और चिकन खाने से क्या नुकसान होते हैं ये सब बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। वजन घटाने में मददगार। चिकन प्रोटीन का एक ऐसा स्रोत है जिसमें अधिक एनर्जी और कम वसा पाई जाती है। प्रोटीन के लिए चिकन को खजाना माना जाता है। नियमित रूप से वर्कआउट करने वाले लोगों में यह वजन घटाने के साथ मसल्स बनाने के लिए भी सहायक है। ऐसे में अगर आप भी वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं तो चिकन आपको इस काम में मदद कर सकता है। कारण यह है कि भूख को शांत करता है और शरीर को जरूरी ऊर्जा देने का काम करता है। इस तरह से आपको पोषण तो मिलता ही है, साथ में भूख का एहसास भी कम होता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि वजन घटाने के लिए आप इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। इसके अलावा चिकन को हेल्दी तरीके से डाइट में शामिल करें। इसे स्टडी मर्ड, ग्रिल्ड या भुनकर बनाएं। फ्राइड या ऑयली चिकन रेसिपी को डाइट में शामिल करने से वजन कम होने की जगह बढ़ जाता है। चिकन का सेवन करने के साथ ही व्यायाम भी नियमित रूप से करते रहें। ब्लड प्रेशर को करता है कंट्रोल। चिकन के फायदे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी लाभ पहुंचाते हैं। एक शोध के अनुसार यह बच्चों और किशोरों में ब्लड प्रेशर, वजन और ऊंचाई को नियंत्रित करने का काम करता है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। वहीं बड़ों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर चिकित्सक कम फैट होने के कारण प्रोटीन और ऊर्जा के लिए स्रोत के रूप में चिकन खाने की सलाह देते हैं। ऐसे में यह माना जाता है कि चिकन ब्लड प्रेशर से संबंधित जोखिम को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चिकन का सेवन सीमित मात्रा में और सही तरीके से किया जाना चाहिए। ऑयली और फ्राइड चिकन का सेवन करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को करता है कम। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने पर चिकित्सक इसे नियंत्रित करने के लिए कम वसा और कम कोलेस्ट्रॉल वाले आहार का सेवन करने की सलाह देते हैं। वहीं चिकन में वसा और कोलेस्ट्रॉल काफी मात्रा में पाए जाते हैं। चिकन ब्रेस्ट में सबसे कम फैट और अधिक प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए चिकन ब्रेस्ट खाने की सलाह दी जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चिकन के फायदे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने में भी शामिल होता है। ध्यान रहे, चिकन को गलत तरीके से पकाने से यह आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या से निजात पाने के लिए इसका सेवन कम मसाले और तेल के साथ ही किया जाना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से है भरपूर।
कम वसा और एनर्जी के साथ चिकन में आयरन, सोडियम और विटामिन भी मौजूद होता है। यह हमारे शरीर के पोषण में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही इनकी कमी से होने वाली कई गंभीर समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। हड्डियों और दांतों को दे मजबूती। चिकन में अधिक मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम भी पाया जाता है, जो दांतों के साथ ही हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने में मदद करता है। हड्डियों और दांतों से संबंधित एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि हड्डियों से युक्त मांस का सेवन कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करता है, जिसमें चिकन भी शामिल है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि हड्डी युक्त चिकन का सेवन कैल्शियम की पूर्ति करता है, जो दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।